अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज जुमा भी है, तो जुमा मुबारक। तो गाइस हर जुमा हम लोग हलवा पूरी खाते हैं। पिछले जुमा भी हमने हलवा पूरी का नाश्ता किया था, तो इस बार भी खाया कि हलवा पूरी का नाश्ता करना है, तो मैं जा रहा हूँ हलवा पूरी लेने के लिए। तो आज सुबह सुबह का टाइम है भी, तो मैंने कहा सुबह सुबह आपको थोड़ा सा उल्टा शहर भी दिखा देता हूँ, इससे सुबह रस ज़्यादातर नहीं होता तो आराम से मैं आपको दिखा सकूँगा। अब तो इसी रानी में बैठ के जाए के हम हलवा पूरी लेने के लिए। तो चलो गाइस चलते हैं। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस, मैं निकल चुका हूँ। तो ये है और महापुर और मेरे पीछे है कैन। ये और महापुर और इसके ऊपर सारी दुकानें हैं, जूतों की है दुकानें हैं और होटल भी है, बैंक भी है। ये नया बैंक है अल खलीफ का। तो मौसम भी अच्छा है सुबह सुबह का टाइम, और सुबह सुबह की हवा जो होती है ना वो सही की ये भी गाइस अच्छी होती है, और सही की ये भी अच्छी होती है। और ये आगे में जाओ तो मेरे लेफ्ट साइड में है निस्ते और सीधा है कचहरी। तो मैं जाना है खंडक है हवाई सूरज पे हलवा पूरी लेने की है। तो रास्ता मैं आपको सारा दिखाते रहूँगा, आप देखते रहें। तो वहाँ पहुँच के भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी जगह है और कहाँ से हम हलवा पूरी लेते हैं। गाइस मैं पहुंच गया हूं, तो ये है चुंगी नंबर 9। और मैं अभी लेफ्ट साइड में जाना है मोहसिन रोड पे, से बतौर पे आना है। तो वहाँ मुड़ते हैं गाइस। गाइस ये है मोहसिन रोड और ये मैदो का पुल है। इसी रोड के ऊपर काफ़ी कॉलेज है, हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, स्कूल है। ये शॉप आगे और आगे पीछे सब बताऊँगा, चाहे मैंने अभी बतौर पे आना है, बतौर कम होता रह रहा है। ये कॉलेज है, ये मोहसिन रोड है, आगे जाके लेफ्ट साइड में गुरगैस आ जाएगा गाइस। और बाइक है तो आप सबको पता है ठंडी ठंडी हवा लगती है। और जुम्मे का दिन है इसलिए मार्केट बंद है। ये आगे के मार्ग एक इनकी ब्रांच अचानक गाइबे है, अभी वहाँ जाऊँगा तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आगे बताओ हम ना से गाइस शरीर से बताओ खाते हैं फिर अब जाते हैं अपने सफर पे। गाइस वहाँ बताओ ही नहीं था पीएस को बताऊँगा, मैं आगे सेल बताऊँगा, मैं वहाँ से गाइस दौर मिल जाए तो दौर खाने के बाद फिर चलते हैं हलवा पूरी लेने के लिए। गाइस गाइस बतौर खा चुका हूँ मैं। और ये देखिए ये आगे पे कोई स्ट्रीट स्टोर के ऊपर मॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है। और मेरी आगे जा रही है डेविन स्कूल की कार, किसी को डेविन लगता है सिखाए हैं ये, उनके नंबर भी पीछे दिखाया, आप नंबर और करेंगे अभी किसी ने डेविन सीख ली हो। ये आ गया फेस को जहाँ से हम लोग चीज़ें लेते हैं, और यहाँ भी काफ़ी कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है। और ये मोहसिन रोड है, काफ़ी बड़ी और साफ सुथरी रोड है ये। तो गाइस अब चलते हैं, हमने जाना है सन कहवे बतौर फैने की है, तो बतौर फैने की गाइस चलते हैं ना, काफ़ी कॉलेज और स्कूल ये सब कुछ है। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आई है, तो सुबह सुबह तो मज़ा ही आता है सैर करने का गाइस। गाइस ये देखिए कितना वाइट का गाय है, इसे ईद भी आने वाली है गाइस, तो ईद आई है गाइस। अब मैं पहुंच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ ईदगाह भी है, काफ़ी मशहूर ईदगाह। वो सामने आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ऐसे सामने नहीं जाना है, शायद आपको अभी सामने भी शहर दिखाएगी। अभी चौक से हमें मुड़ना है, तो चौक से मुड़ते हैं गाइस पीछे की तरफ, टूर चलते हैं। सोने का भी पहुँच गए, सोने का ही मार्केट है। और यहाँ ये सुबह सुबह लंदा बाजार भी लगा हुआ है गाइस, ये देखिए मैं चार जो ये चवाई है इन पे भी अभी रखने हैं इन्होंने। और ये भी देखिए पे वैसा है कपड़े पीछे तक, ये है सोने का ही। नहीं है वो दवाई स्वीट ब्रांच में आज हलवा पूरी लेने की आया हूँ, और नहीं है वो केके मार्केट दूसरी ब्रांच भी गाइस। तो टाइम वेस्ट नहीं करते अपना भी और आपका भी, तो जल्दी से हलवा पूरी लेते हैं और केके मार्केट की पुरानी पहले वाली ब्रांच आपको दिखाते हैं। तो चलेगा गाइस ये है दवाई स्वीट और उसके बिल्कुल सामने है ये केके मार्केट की पुरानी ब्रांच, जिसका रंग चेंज कर दिया मैंने, उसको भी
उसी न्यू ब्रांच की जैसी बना दी है। ये इनकी पुरानी फर्स्ट ब्रांच है जहाँ से इन्होंने काम शुरू किया था गाइस। ये अभी बंद है और ये रवाई स्वीट की दूसरी ब्रांच है। तो देखते हैं इनकी हलवेपुरी है जानी से, कभी खाई तो नहीं है और लग तो नहीं रहा हलवेपुरी होती इनकी जानी। पूछते हैं इनसे फिर देखते हैं, नहीं मिलती ना से तो फिर कहीं और देखते हैं। गाइस हलवेपुरी तो नहीं मिली ना से रवाई स्वीट से, और बाकी ईद आई बस कुछ दिन जगह है। तो ये देखिए सारी बकरों की मंडी लगी हुई है गाइस सामने। मैं भी करीब जाके आपको थोड़े से बकरे भी दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं कहाँ से हलवेपुरी मिलती है गाइस। ये देखिए ये है बकरों की मंडी लगी हुई, ये सामने जो दो बकरे खड़े कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। ये देखे और ये चेक है, वहाँ तक सारी मंडी लगी है गाइस बकरों की। ये भी है बकरे, बकरों के बच्चे भी हैं, वो देखे गाइस बकरों के बच्चे भी हैं, प्यारे प्यारे बकरे हैं माशा। अब चलते हैं आगे हलवेपुरी, यानी कि ये किसकी, ये हमली के हैं ना, रस भी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। एक हलवेपुरी है मीगे है अल्लाह वसाया के नाम से मशहूर है ये हलवेपुरी वाला, और ये मशरूम सा रोड है सारा। तो गाइस छत्ती से यहाँ से हलवेपुरी देते हैं, अब भूख बहुत लगने लग गई है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो जो हलवेपुरी का ऑर्डर देते हैं हलवेपुरी ले के फिर चलते हैं खाए, खाए वाए भी इंतजार कर रहे हैं गाइस। आम लेने तो देखते हैं आम कहाँ से अच्छे से मिलते हैं, उसके बाद जैसे लेने हैं फिर खाए जाएंगे नाश्ता करते हैं। कि भूख बहुत ज़्यादा रह गई है गाइस, और बस अब आशा से बाया है हमें खास से 9 या 9:30 हो रहे होंगे। तो देखते हैं आम कहाँ है, आम की रेहरी, आम 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 मैंगो मुल्तान की पहचान कहाँ हो मीजे गाइस। देखते कहाँ से आम मिलते हैं गाइस, और जल्दी से आम लेके भी चलते हैं गाइस। आम भी ले रही है, इस रेहरी से आम ले रही है मैंने। ये है सामान, अब लेने हैं चने और फिर खाए चलते हैं गाइस। चने देखिए भूख बहुत ज़्यादा लग गई, भूख अब तेज हो गई है, मेरे ख्याल से 10 बजे हो गए गाइस। गाइस ये देखिए ये है जुम्मा मिसाल वगैरह गाइस, ना आपको कबूतर और पिंजरे ऐसे पिंजरे ये सब कुछ आपको मेरे पिंजरे पकने वाले भी है। ये जुम्मा मिजाज भी ऐसा है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉक में जुम्मा मिजाज के अंदर जाके रस चेक करें गाइस कितने ज़्यादा रस है गाइस। तो अब मुझे लग रही है बुक और 10 बजने हैं, 1 मिनट के 10 बजने में। तो गाइस जल्दी से खाई चलते हैं, ये देख लिया और ये मेट्रो का पुल है ना, कारखाने हैं जहाँ बकरियों के बड़े जानवरों के खाल बिकते हैं। ईद के दिन तो काफ़ी बुरा हाल होता है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है गाइस। तो अब छत्तीस से चने लेने लेते हैं, वो 13-13 से लेते हैं हम लोग, तो बोले कि गाइस फिर चलते हैं खाए। अब हम हलवेपुरी खाने वाले हैं, ये है लाडों का, ये 13-13 के चने हैं गाइस। मज़ेदार मिर्चों वाले गाइस, ये है पूरी। ये खाने के बाद ही गाइस आप लोगों से बाद में मिलता हूँ गाइस। मैंने हलवेपुरी मैंने खाई है तो काफ़ी मज़ेदार हलवेपुरी थी, वह जो चने हैं वो बस ठीक ही थे, मज़ेदार नहीं थे इनके। तो 13-13 में जो चने दिए हैं वे फिर बस के अंदर उसके साथ ही ये चने वाला खाया हुआ है, तो इसके चने मास्क काफ़ी मज़ेदार चने हैं इसके। तो इस ब्लॉग में नहीं आने देता हूँ, इसलिए ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, तो और बड़ा ना हो जाए। तो अभी मैं कदीन के होनी है और जुमे की तैयारी करनी है बहुत सारा, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा इसी ब्लॉग का ही दूसरा पार्ट आएगा। तो इस ब्लॉग में नहीं एंड करता हूँ, तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा इस ब्लॉग को अभी लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ऐसे ही मैं डेली ब्लॉग में आते रहेगा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक ये अस्सलाम वालेकुम।